नए टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। जरूरी लगा, इस वजह से सोचा आप लोगों से भी शेयर किया जाए। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एड्स चला के। ये लोग क्रिप्टॉन X2 Pro, 8 GB रैम, 128 GB रोम, वो वाला जो एक फ़ोन है वो लिस्टेड है वहाँ पे, लोग ऑर्डर कर रहे हैं वहाँ पे जाके। ये जो स्कैम है मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, उसने लालच में आके 4500 रुपये में 8 GB रैम, 128 GB रोम वाला फ़ोन देखा और ऑर्डर कर लिया। अब उसने मुझे बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे ये हो रहा है। तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चेक की, यूट्यूब पे देखा तो कई लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि ये बिल्कुल फेक साइट है, ये पैसे लूट रहे हैं बस, और मतलब कि फ़ोन कुछ ना भेज रहे हैं। और ये जो एक ऑर्डर आईडी उसने भेजी है, मेरे दोस्त ने जो दिखाई ऑर्डर आईडी, तो उसमें देखा मैंने कि कुछ ग्रामर मिस्टेक भी है। अब 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा, लिखा हुआ है कि कोरोना के वजह से डिलीवरी थोड़ी डिले हो सकती है। अब देखते हैं कहाँ तक ये बात सच है या झूठ है, लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसके बारे में कि ये बिल्कुल फेक वेबसाइट है। इजी फ़ोन मैं कंप्यूटर पे भी आपको लेके दिखाऊंगा कि कैसे क्या है, वहाँ पे कितने फ़ोन लिस्टेड है, क्या पेमेंट सिस्टम है, ये लोग पहले पेमेंट। तो यहाँ पर मैं साइट खोल रहा हूँ, ये मैंने क्लिक की इजी फ़ोन की वेबसाइट पर। देख सकते हो आप, आपके सामने वेबसाइट खुल चुका है और यहाँ पे जो फ़ोन है वो देख सकते हो आप, क्रिप्टॉन X2 Pro। यहाँ पे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे क्या है, पेमेंट सिस्टम है, कितना प्राइस है फ़ोन का। तो चलिए मैं होम पेज पे आप ले जाके दिखाता हूँ कि कितनी फ़ोन लिस्टेड है इस साइट पे। तो देख सकते हो तरह तरह के फ़ोन यहाँ पर लिस्टेड हैं, टैबलेट भी है, ऊपर से नीचे देख लीजिए आप वेबसाइट पूरी, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है वेबसाइट को, ऐसा लगे कि लोगों को कि ये रियल वेबसाइट है, काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन की गई है, लोग झांसे में आ जाते हैं काफ़ी टाइम। तो गाइस बात काफ़ी हो चुकी है, अब मैं उस दोस्त से डायरेक्ट आपकी भी बात करवाऊँगा जो जिसके साथ ये स्कैम हुआ है, वही बताएंगे कि कैसे उसको पता चला कि फाइनली हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वही आगे की कहानी आपको बताएंगे कि उनके साथ कैसे क्या हुआ। तो आप बताएंगे लोगों को। जब मैं YouTube चला रहा था तो उस पर कुछ ऐड आया, ऐड वो क्रिप्टॉन ऐसे कुछ नाम है फ़ोन का, तो 8 GB 128 GB इंटरनल था, तो वो दे रहा था कुछ वही 4500 के आसपास प्राइस था उसका, तो दे रहा था। तो मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब पबजी खेलता हूँ ना, तो इसलिए सोचा गया कि अच्छा फ़ोन है और देखते हैं कैसा है नहीं है। तो मैं जब उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब मैं वेबसाइट पे गया तो उस पर काफ़ी अलग अलग तरीके के फ़ोन थे। अच्छा, इजी फ़ोन की जो वेबसाइट थी उसमें आप बता रहे हो कि अलग अलग तरह के फ़ोन थे जी, और क्रिप्टॉन के ही फ़ोन लिस्टेड थे जी। हाँ, और काफ़ी फ्लेक्सिबल जो फ़ोन थे सब वो सस्ते प्राइस में लिस्टेड थे, ऐसा करके आप बोल जी जी। तो कैसे आपने ऑर्डर किया, पेमेंट किया, आगे क्या बताओगे आप? तो मैंने कुछ ऐसे ही 2-4 फ़ोन देखे, उसके बाद वही था 8 GB 128 GB इंटरनल था, तो वो फ़ोन मैंने मतलब जब उस पर क्लिक किया तो उस पर पेमेंट पहले मांग रहा था, पहले मांगने के बाद उसके बाद सोचा कि दोस्तों से पूछ लेता हूँ क्या है नहीं है, फिर मैंने सोचा कि चलो कर देते ऑर्डर। तो मैंने वहाँ पे मतलब जो भी था अपना एड्रेस दिया और उसके बाद पेमेंट मांगा, पेमेंट कर आपने पेमेंट जो की तो वो गूगल पे से की जी। अच्छा, तो करने तो, के बाद हाँ। उसके बाद मैंने मतलब ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद मैंने सोचा क्या कि फ़ोन आ जाएगा, अच्छा वेबसाइट है, मैंने नहीं देखा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा मतलब कि पैसा इसमें चला जाएगा, इतना तो दिमाग कोई नहीं लगा था, अच्छी चीज़ मिलती है तो उस पर तो कोई भी धोखा खा सकता है। हाँ वो बात सही है, लेकिन आपको जो आपने ऑर्डर किया तो आपको विश्वास तो हुआ होगा, तो कुछ मैसेज वगैरह आया होगा ना? हाँ उस पर था, तो मैसेज आया ऑर्डर करने के बाद, मैसेज आया और उसके बाद मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया उस पर कि क्या मैसेज आया है, उसमें क्या है नहीं है, इतना तो ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मोबाइल बंद करके जब मैं बाहर निकला तो हमारे सोनू भाई मिले और उसके बाद मैंने इसे पूछा कि मैंने फ़ोन ऑर्डर किया है और इसमें पेमेंट पहले ही करना पड़ता है, तो पेमेंट मैंने कर दिया है।
तो कुछ देर के बाद ये बोले कि रुको मैं चेक करके बताता हूँ क्या है नहीं है। जब ये पूरा चेक करके 10-12 मिनट के बाद हमको बताए तो ये बोला क्या कि अब ये जो है फेक वेबसाइट है और इसमें तुम्हारा पैसा जो है एकदम चला गया है, अब फ़ोन उन कुछ नहीं आएगा ना मतलब कि आप पैसा भी आएगा। तो ये आप बोल रहे हो कि ये जो ऐड है बिल्कुल फेक है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जी पूरा ही फेक है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोग के साथ ना हो, मैं यही चाहता हूँ। और तो ऐसे जो सस्ते हैं, मतलब कि कोई भी फ़ोन सस्ता या आपको बोल रहा है कि आधे दाम में दिला देंगे, तो इस पर यकीन ना करना। कोई ऐसी काफ़ी वेबसाइट है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और भोले लोग जो हैं वो डायरेक्ट क्लिक करते हैं सस्ते के चक्कर में, उन्हें कभी मूर्ति मिल जाती है तो कभी पत्थर मिल जाते हैं। तो ट्रस्टेड वेबसाइट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी काफ़ी वेबसाइट है, तो आप वहीं सबसे फ़ोन ले। और अगर मतलब कि सेकेंड हैंड फ़ोन या सस्ते में फ़ोन खोजो तो टू गुड वेबसाइट, वहाँ पर यूज़ फ़ोन आपको मिल जाएंगे, उधर से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था कि आप लोगों को मैसेज पहुँचाऊँ कि कैसे ये थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है वादा करती है कि आपको सस्ते में फ़ोन दिलाएगी, लेकिन आपको कभी मूर्ति दे देते हैं तो कभी पत्थर भेजा देते हैं। तो ट्रस्टेड वेबसाइट से ही फ़ोन लो। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, बाकी लोगों को भी मैसेज जाएगा।